त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही बरतना नहीं चाहता है। हाल ही में हरिद्वार जनपद में हुई जहरीले शराब के सेवन से आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत होने के बाद पुलिस लगातार अवैध कच्ची शराब तस्करों की खोज कर रही है। मंगलौर पुलिस लगातार क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब की तस्करी करने वाले आरोपियों की धरपकड़ करने में जुटी हुई है। मंगलौर क्षेत्र के जंगलों में ड्रोन कैमरे की सहायता से निगरानी की जा रही है, ताकि जंगलों में अवैध कच्ची शराब की भट्टियों को भी खोजा जा रहा है। मंगलौर कोतवाली निरीक्षक राजीव रोथान ने बताया कि त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर पुलिस सतर्क है, साथ ही क्षेत्र के अवैध शराब कारोबार करने वाले तस्करों की धरपकड़ लगातार जारी है। ड्रोन कैमरों से लगातार जंगलों की निगरानी की जा रही है। अधिकतर संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल गश्त कर रहा है, साथ ही ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। पूरे जनपद में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। मंगलौर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। स्तरीय पंचायत चुनाव को लेते हुए पुलिस द्वारा जो है कच्ची शराब और अवैध शराब के ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। विगत एक सप्ताह में मंगलौर पुलिस द्वारा करीब 2 दर्जन से अधिक मामलों में व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आज भी बिजौली पीरपुरा के जंगलों में ड्रोन की सहायता से इस कच्ची शराब की सूचना प्राप्त होने पर ड्रोन की सहायता से इनकी निगरानी ली गई है।